दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं किसी भी बाइक को लोन पर लेने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप करवाएंगे HDFC बैंक से अपनी बाइक को फाइनेंस, यानी कि आप HDFC बैंक से अपनी गाड़ी के लिए लोन लेंगे, तो ये बातें आपको जाननी दोस्तों ज़रूरी है कि क्या इसकी क्राइटेरिया होती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, अगर आप कार और बाइक के बारे में सही न्यूज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। अगर आप दोस्तों लेते हैं HDFC बैंक से बाइक लोन, तो आइए आपको बता दें इसकी अभी क्या चल रही है रेट ऑफ़ इंटरेस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी है इसकी चल रही है HDFC बैंक की रेट ऑफ़ इंटरेस्ट 14.03%। और मैं आपको अक्सर दोस्तों अपनी पिछली वीडियो या फिर जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको मैं कहता हूँ, अगर कंपनी या फिर बैंक की रेट ऑफ़ इंटरेस्ट रही 12.5% के हिसाब से, लेकिन HDFC बैंक दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा चलती है। आपको बता दें कि जितनी रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगी उतनी कीमत हमें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे लोन अमाउंट पर। और साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम लोन अमाउंट, मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि आप केवल अपने ऑन रोड प्राइस का 20% ही डाउन पेमेंट करिए, बाद बाकी 85% आप लोन ले सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे, कंपनी कह रही है जितनी आपकी गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है उसकी केवल 85% की अमाउंट आपको लोन पे वो पास करेगी। अगर हम दोस्तों एग्जाम्पल पर लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 100 रुपये की है, तो कंपनी आपको केवल 85 रुपये का ही लोन देगी, 15 रुपये आपको खुद से गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम कितने समय तक हम अपनी EMI को पे कर सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हम 1 साल के अंदर EMI पे कर देनी है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते सोचते हैं कि थोड़ा सा हम लंबे समय ले लें कि मेरी थोड़ी EMI कम हो जाए। तो दोस्तों HDFC बैंक की आपकी मैक्सिमम लोन की टेनर यानी कि लोन की समय है 4 साल तक, उससे ज़्यादा आप समय नहीं ले सकते हैं EMI पे करने के लिए। और आपको बता दें कि HDFC जो बैंक है, जिस पर्सन की एज 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में है उन्हीं को यह जो बैंक है दोस्तों लोन प्रोवाइड कराती है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं HDFC बैंक की जितनी भी यहाँ पर आपको क्राइटेरिया देखने को मिल रही है, इतनी इंटरेस्ट रेट, इतनी आपको अमाउंट या फिर कितना समय, आपको बता दें कि ये दोस्तों अपडेट की गई है HDFC बैंक ऑफिशियली 23 जुलाई तक। आपको बता दें कि हर महीने या फिर हर साल आपको इसमें बदलाव देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप लेते हैं जुलाई के महीने में तो आपको यही आपको फिगर देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोज़, और अपने पसंद की गाड़ी की कीमत और उसकी स्पेसिफिकेशन, साथ ही लोन कीमत या फिर उससे जुड़ी और भी बातें जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।